अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे जिंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कचमच का साग, बहुत ही जबरदस्त सा। चले चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे मैंने ली है एक टोकरी कचमच के साग की। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह के पत्ते होते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साग है। इसको बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अक्सर मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। और अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम रेसिपी को बनाना है। जहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे कुकर लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे सारे पत्तों को। आप चाहे तो देगची में भी गला सकते हैं, मैं कुकर में गला रही हूँ ताकि जल्दी से ये गल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक जग पानी का और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि सारे पत्ते अच्छे से पानी में हल हो जाएं। आप देख रहे हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दिया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। अब हम इसको कर देंगे कुकर बंद। आपने 10 मिनट तक इसको गला लेना है। हाँ जी, आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे पत्ते गल चुके हुए हैं। आप ये देख रही हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे गल गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है और ये कितने थोड़े से रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेना है। इसका पानी कड़वा होता है, सालन में उसका जायका अच्छा नहीं आता। आप देख सकते हैं मैंने पानी निकाल लिया और ये कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। चलिए चलते अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 कप ऑयल के ऐड करेंगे। आपने ऑयल ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि जो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां थी उसमें ऑयल हम ज़्यादा ऐड करते हैं, इसलिए हमने 2 कप ऐड किया है। अब हम इसमें 3 अदद कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये बहुत फ़ायदेमंद साग होता है, आपने इसको एक सीज़न में एक बार ही लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाँ जी, आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन हमने इसमें ऐड करना है कूटा हुआ, आपने लहसुन ज़्यादा ऐड करना है। इसमें लहसुन का तड़का बहुत ज़बरदस्त आता है और हमने इसको हल्का सा सौते सा कर लेना है 1 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं मैंने बहुत हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है ताकि ये प्याज में हल्का सा फ्राई हो जाए। आपने प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हाँ जी, आप देख सकते हैं 1 मिनट गुजर चुका है, हमारा लहसुन अच्छे से सौते हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर। अब इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने अच्छे से टमाटर को फ्राई कर लेना है 1 मिनट तक ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। हाँ जी, अब हम इसको कवर अप कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। जी जनाब, आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर गए हैं, टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक का, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च। अब हम इसको 2 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतना अच्छा हमारा सालन का जायका आएगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं 2 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जी जनाब, 5 मिनट गुजर चुके हुए हैं, आप ये देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से पक चुका हुआ है। अब इस पोजीशन में हम इसमें ऐड करेंगे कचमच का साग के पत्ते जो हम लोगों ने गला के रखे हुए थे और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्राई भी हो जाए। हाँ जी, 5 मिनट गुजर चुके हुए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पानी का। आपने हल्का सा बस पानी का छट्टा सा देना है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्ची और हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से पक भी जाए और गल भी जाए। जी जनाब, 5 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी का, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। और हमने 1 मिनट के लिए इसको ढक देना है ताकि देसी घी की खुशबू सारे सालन में बहुत अच्छी सी आ जाए। जी जनाब, आप देख सकते हैं 1 मिनट गुजर गया और हमारा ज़बरदस्त सा सालन रेडी है। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। हाँ जी जनाब, आपको इसके फ़ायदा बताती जाऊँ, अगर आपके बच्चों के मुँह से पानी आता है, यानी कि लाले आती है, आप इसका पानी निकाल के उसको चीनी डाल के पिलाएं, उसके मुंह से पानी आना खत्म हो जाएगा। हाँ जी जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।